हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस कराने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये सोशल फार्मेसी 7 चैप्टर का टॉपिक है जो कि फार्माको इकोनॉमिक्स के अंदर दिया गया है आपके सिलेबस में। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फार्माको इकोनॉमिक्स बताया था, फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, फार्माको इकोनॉमिकल एनालिसिस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ द कॉस्ट कितनी होती हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस और वी कैन से द मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस को हम मेडिकल इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो स्वास्थ्य बीमा या चिकित्सा बीमा को ही हम क्या कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट कवर्स द होल और अ पार्ट ऑफ द रिस्क ऑफ अ पर्सन इनकरिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा या मेडिकल इंश्योरेंस मीन्स द चिकित्सा बीमा, ये क्या है, एक तरह का इंश्योरेंस है। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यानी जो कि बीमा होता है। तो अगर यहाँ पे हम हेल्थ, जैसे आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, उसी तरह से सेम क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है। और जिसको हम मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं, दिस इज़ अ टाइप ऑफ द इंश्योरेंस जिसमें हम क्या, जो ये जो टाइप है इंश्योरेंस का, ये क्या कवर करता है, ये किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन या किसी भी व्यक्ति का जो भी मेडिकल एक्सपेंस है, ठीक है, यानी कि उसकी बीमारी के ऊपर या चिकित्सा के ऊपर जो भी खर्चा आ रहा है उसके किसी एक पार्ट को या फिर पूरे खर्चे को क्या करता है, वो वहन करता है, यानी कि वो उठाता है या फिर वो कवर करता है, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह का बीमा होता है। हेल्थ इंश्योरेंस को मेडिकल इंश्योरेंस भी कहते हैं। ये जो भी व्यक्ति इसको कराता है या जो भी पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस कराता है, उसकी लाइफ में कोई भी मेडिकल खर्चा जो आ रहा है, चिकित्सा से रिलेटेड यानी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चे हो रहे हैं, कोई सडन सर्जरी हो रही है, कोई सीवियर डिजीज़ की कंडीशन है, तो उसमें जितना भी खर्च हो रहा है, जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसको कौन उठाता है, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, ठीक है, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है वो उठाता है, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस एन इंडिविजुअल कैन अवेल सच अ पॉलिसी अगेंस्ट द मंथली और एनुअल प्रीमियम पेमेंट, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बंदा क्या करता है कि इस पॉलिसी को क्या कर सकता है, इसका फ़ायदा उठा सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस करा के उसका फ़ायदा उठा सकता है। और इसमें क्या करना होता है कि मंथली या एनुअली क्या करना है, कुछ पेमेंट करनी पड़ती है इसमें, ठीक है। और एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए होता है ये, यानी स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है। अगर उसने टाइम ऑफ पीरियड में कभी सडन में आपको क्या हुई कि कोई भी ऐसी बीमारी आ गई जिसकी, जिसको क्या करना है कि तुरंत ही तुरंत उसकी सर्जरी करानी है, या कोई भी सीवियर कंडीशन आ गई, तो उस समय जो भी खर्चा होगा वो कौन उठाएगा, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर होगा वो उठाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज़ द टाइप्स ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में कितनी टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट जो मेन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में हम आज बताएंगे आपको। सो देर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। फर्स्ट इज़ द इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, सेकेंड सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड इज़ द ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, फोर्थ इज़ द हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द मैटरनिटी इंश्योरेंस, एंड फिफ्थ इज़ द क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू दूंगी कि मतलब ये जनरली अगर आप इसके टर्म से आइडेंटिफाई करेंगे तो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, तो जैसे इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, जहाँ पे ये टर्म आ रहा है इंडिविजुअल, यानी एक सिंगल पर्सन के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ठीक है। सेकंड, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें ये हेल्थ इंश्योरेंस उन लोगों के लिए होता है जो एज्ड पर्सन होते हैं, एज पीपल होते हैं, यानी कि जो 60+ जिनकी एज होती है उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होता है। ये जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कौन लेता है, जैसे कोई कंपनी ले रही है, ठीक है, ग्रुप में, यानी कि नंबर ऑफ़ पीपल वहाँ पे न्यूमरस नंबर ऑफ़ लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उनके लिए कोई एक कंपनी, जैसे किसी एक कंपनी ने ले लिया हेल्थ इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, तो वो क्या है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है। एंड फोर्थ वन इज़ द हेल्थ इंश्योरेंस विथ मैटरनिटी इंश्योरेंस। मैटरनिटी आपको पता है, ठीक है, कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, जो हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है। एंड थर्ड, नेक्स्ट इज़ द क्रिटिकल इलनेस, किसी एक मेजर इलनेस के लिए क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, वो क्या होता है, क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस होता है।
स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज़ द इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए होता है, एक सिंगल पर्सन के लिए, ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल के लिए होता है। सो एंड इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइक इट्स नेम सजेस्ट, कवर्स द ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है। एक सिंगल पर्सन के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा रही है वो क्या होती है, सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ठीक है, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊँ कि 10 लाख की अगर ये पॉलिसी है, ठीक है, तो वो 10 लाख की पॉलिसी आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उसमें से किसी एक के लिए ही होगी, किसी एक के ही हेल्थ ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होगी, ठीक है। अगर आप उसे अपने लिए भी करवा सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए करवा सकते हैं, अपने स्पाउस के लिए करा सकते हैं, किसी के लिए भी करा सकते हैं, बट वो जो 10 लाख है वो एक इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट में यूज होगा, ठीक है। तो इन केस अगर अब यही आपको इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपको 3 पर्सन के लिए लेना है तो आपको 10 10 10 करके 3 टाइम्स लेना होगा, यानी 30 लाख का लेना होगा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, एक सिंगल पर्सन को की जो चिकित्सा जो खर्चा होता है उस पर, ट्रीटमेंट का जो खर्चा होता है उसको कवर करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। जो सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस है, टेलर मेड टू सूट ऑल मेडिकल एक्सपेंसेज ऑफ एज्ड इंडिविजुअल, ठीक है, जो एज्ड इंडिविजुअल होते हैं यानी जो वृद्ध लोग होते हैं, ठीक है, ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उन्हीं के लिए बनाई गई है, एज्ड इंडिविजुअल के लिए बनाई गई है। और इसे, इस पॉलिसी को सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनकी एज 60 साल से ऊपर होती है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। सो स्टूडेंट, थर्ड वन इज़ द ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा जो कराई जाती है वो नंबर ऑफ पीपल के लिए कराई जाती है, न्यूमेरस पीपल्स के लिए कराई जाती है। तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जनरली क्या होती हैं कि कंपनीज लेते हैं, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज लेती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। सो कंपनीज एक्सटेंड सच प्लान्स टू देयर एम्प्लॉयज़, और इसमें जो भी प्रीमियम आता है यानी कि जो भी मंथली या एनुअली जो पेमेंट की जाती है वो एम्प्लॉय के द्वारा ही की जाती है, एम्प्लॉय ही करता है इसकी पेमेंट, ठीक है। और इन केस कि अगर क्या हुआ कि इसी ड्यूरेशन में एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया गया या उसने जॉब छोड़ दी, तो उस दोनों ही केस में क्या होगा कि जो भी बेनिफिट्स हैं उसको वो अवेल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ओके। सो एंड नेक्स्ट वन इज़ द हेल्थ इंश्योरेंस विद द मैटरनिटी इंश्योरेंस। मैटरनिटी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए होता है, ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रेगनेंट वूमेन के लिए होता है। सो ऑल प्री एंड पोस्ट नेटल केयर, जो भी मतलब प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर द प्रेगनेंसी जितने भी आपके खर्चे आ रहे हैं, जितने भी ट्रीटमेंट में खर्चे आ रहे हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, वो सारे इसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ऑल प्री एंड पोस्ट नेटल केयर एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर कवर्ड अंडर मैटरनिटी इंश्योरेंस कवर, ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। ये इंश्योरेंस हमेशा प्रेग्नेंट लेडी के लिए किया जाता है। और इस इंश्योरेंस को क्या कर सकते हैं कि मतलब न्यू बॉर्न बेबी का जो ट्रीटमेंट होता है ना, 3 मंथ तक, जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसमें भी अगर कोई भी ट्रीटमेंट या कहीं पे भी कोई मेडिकल एक्सपेंसेज आ रहे हैं तो उसको भी ये कवर कर लेता है, ये इंश्योरेंस, ठीक है। द लास्ट वन इज द क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी। सो द क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड्स कवरेज अगेंस्ट द लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज, ओके, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर ऑप्टिमल ट्रीटमेंट एंड रिकवरी ऑफ अ पेशेंट, ठीक है। जब इन द केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज की वजह से या कोई क्रिटिकल इलनेस होने पर, इसके लिए क्या किया जाता है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, ठीक है, कि इन केस लाइफ में कभी भी ऐसी कंडीशन आती है, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है, ठीक है, उस केस में ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी वर्क करती है। ये क्या करती है कि आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि जितना भी ट्रीटमेंट में खर्चा आता है ये उसको कवर करती है, और खर्चे के साथ साथ जब तक पेशेंट की रिकवरी नहीं हो जाती है तब तक उसको वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये आपकी क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द हेल्थ इंश्योरेंस इज द बेनिफिट्स ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। सो देर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। कुछ इंपॉर्टेंट जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस इज द इट कवर्स द एम्बुलेटरी पेशेंट केयर। एम्बुलेटरी पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो आउट पेशेंट होते हैं, आउट पेशेंट यानी कि जिनको एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ उनके लिए नहीं है जो कि हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उन्हें भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि एम्बुलेटरी पेशेंट होते हैं, यानी कि जो आउट पेशेंट होते हैं, जिन्हें
उन्हें एडमिट होने की नीड नहीं होती है, बट वो बीमार हैं, सिक हैं, तो उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ठीक है। सो सेकंड ऑफर्स फंडिंग फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ये दोनों जो कंडीशंस हैं दोनों में ही क्या करते हैं, ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग ऑफर करते हैं, ठीक है। सो थर्ड वन इज गिव्स स्पेशलाइज कवरेज फॉर द क्रिटिकल इलनेस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो कि क्रिटिकल इलनेस के लिए ही होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज द कवर्स अगेंस्ट मेंटल इलनेस, ठीक है। ये क्या करते हैं कि अपनी जो सर्विसेज हैं या जो भी फंडिंग है वो मेंटल इलनेस के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ फिजिकल इलनेस के लिए नहीं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द कवर्स सर्जरी कॉस्ट, अगर इनकेस कोई सर्जरी हो रही है तो उसकी भी कॉस्ट को ये क्या करती है, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने कराया है तो वो कवर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स थे हेल्थ इंश्योरेंस के जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताए। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था वो था आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, जो कि आपके फार्माको इकोनॉमिक्स के का जो चैप्टर है चैप्टर 7 उसके अंदर ये टॉपिक दिया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ द डीफॉर्म फर्स्ट ईयर, ठीक है, जो कि पीसीआई के अकॉर्डिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आज ये टॉपिक आपको डिस्कस किया, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, कितने टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, सो कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला, थैंक यू सो मच।